बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी रेसिपी है लीमू और मिर्चों का अचार, जो कि बहुत क्विक रेसिपी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इनका अचार डाल लिया जाए। इनको तोड़ते हैं। ये देखें, ये देखें, काफी सारी मिर्चें उतर आई हैं और इसका बड़ा जार बन जाएगा। बस अब इनको धोकर मैं थोड़ा सूखने के लिए फैला दूंगी। ये ड्राई हो गई हैं। अब हम इसके ये जो डंठल हैं ये उतार लेंगे और मैं इनको इतने इतने पीसेस में काट रही हूँ। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इनको ऐसे लंबे रुख भी काट सकते हैं। डंठल तोड़ दिए और इनकी कटिंग कर ली। ये हमारी मिर्चें जो है वो इतनी तेज नहीं है। मीडियम होती है। बस इसी तरह से अभी सबको मैं कट कर लूंगी। ये मिर्चों को कट कर लिया है। बीच में से कुछ को स्लिट कर लिया है। ये लेमन को पेपर टॉवल से और ड्राई कर रही हूँ। बहुत मेक श्योर करना है कि बिल्कुल पानी ना लगा हो आपके जो भी चार डालने वाले वेजिटेबल्स होती हैं उनको ड्राई कर लिया करें। ये बड़े लेमन हैं, इनको मैंने हाफ़ किया, हाफ़ को फिर थ्री पीसेस में कर दिया। तो ये एक बड़े लेमन के तकरीबन 12 पीसेस बन गए हैं। बड़े मज़े का अचार होता है। चावलों के साथ, दाल के साथ खाने में मज़ा आता है और जल्दी बन जाता है। एक हफ्ते में तैयार हो जाता है तकरीबन। ये तकरीबन 400 ग्राम मिर्चें थी और 3 बड़े साइज़ के लेमन था। तो इसमें हम 1 चम्मच हल्दी का छोटा टीस्पून जो है, और मैं तकरीबन 4 चम्मच जो है वो नमक डाल दूंगी। नमक जो है अचार को लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखता है। और ऐसे इसको अब मैं तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रखूंगी और हम इसका मसाला तैयार करते हैं। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो बेहतर यह है कि आप इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए धूप के नीचे रखते हैं, धूप में रखते हैं। इसमें 3 टेबलस्पून रायदाना, 1-2-3, लेकिन मैं इसका आधा इसमें डालूंगी और ये थोड़ा सा इसके अंदर अलग से डाल दूंगी। और 2 टेबलस्पून धनिया,
मैं साबुत धनिया ले लूँगी और एक टेबलस्पून सौंफ का, थोड़ी सी सौंफ इसमें डाल दूँगी थोड़े साबुत दाने के लिए, और ये जो है हाफ टेबलस्पून ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा और हाफ टी स्पून मेथी दाना चाहिए, ये मेथी दाना ये हाफ टी स्पून चाहिए बस। और ये थोड़े से जो गार्लिक हैं ये एक बल्ब जो है मैंने छील के रख लिया है। अब इन सब को हम पैन में रोस्ट करेंगे। इन मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, बस इतना ही ड्राई रोस्ट करेंगे कि इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, हल्की सी तिड़तिड़ आना शुरू हो जाए तो बस चूल्हा बंद कर देंगे। इसकी आँच हल्की कर दी है और तकरीबन 4 to 5 teaspoon, या जितना भी आपको पसंद हो, आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, कुछ लोग कुकिंग ऑयल में भी बनाते हैं, मैंने नहीं वो एक्सपीरियंस किया, तो ये ऑलिव ऑयल लिया है मैंने। अब इसके अंदर वो जो मैंने गार्लिक छीले में वो डालते हैं, थोड़ा सा गर्म हुआ है, गार्लिक क्लोव्स डाल दिए हैं, इनको हल्का हम बना लेंगे, पका लेंगे लो हीट पे है, इनको हल्का हल्का सा, जैसे बस पता चलेगा कि ये हो गए हैं, मैं जब थोड़ा सा कलर आना शुरू हो जाएगा बस चूल्हा बंद कर देंगे हम, हमारा तेल जो है ना तैयार हो जाएगा, बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसमें। ये देखते हैं हल्का हल्का सा इन पे ये ब्राउन सा कलर आने लगा है, इस पॉइंट पे आके ये लहसुन अदरक पेस्ट बनाया हुआ है जो खाने में मैं डालती हूँ, इसके तकरीबन 1.5 टेबल स्पून वो इसमें डाल के जल्दी से ऑयल में कर लेंगे। ये भी हल्का सा हो जाए, अब हम चूल्हा बंद करके इस ऑयल को ठंडा होने देंगे, तो ये ठंडा हो जाए। मसाले भी ठंडे हो जाए और ये भी ठंडा हो जाए। मसाले अभी गर्म है, अभी इनको फैला लेते हैं, अच्छी तरह ठंडे होंगे तो इनको ग्राइंड करते हैं। सारे मसाले डाल दिए और इसको अब हम दरदरा पीसेंगे, इनको ज़्यादा नहीं पीसेंगे। जितनी देर में मसाले पीसे हैं इसको तकरीबन 1.5-2 घंटे हो चुके हैं। अब जो है हम इसमें, मैं थोड़ी सी ये कितनी है 1 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, इससे कलर अच्छा आएगा, इसके इसमें टेस्ट नहीं होता। और हाफ टी स्पून जो है वो मैं नॉर्मल लाल मिर्च डाल रही हूँ, इसके अलावा तकरीबन 1 चम्मच 1 teaspoon मैं कलौंजी डालूंगी इसमें, और
ये जो मसाले पिसे हुए थे ये डाल देंगे, जो हमने पीसे हैं दो तरह से, और इसको थोड़ा हिलाएंगे ताकि मसाले अच्छी तरह इसको लग जाए। और ये जो मैंने थोड़े थोड़े मसाले रखे थे साबुत रखने के लिए वो डाल दिए। ये हो गया। और हम तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो वाइट विनीगर डालेंगे। अगर विनीगर ना हो तो आप इतना ही लेमन जूस डाल दें। ये इसकी इसको लंबा प्रिजर्व करके रखेगा और अच्छा फ्लेवर आता है। ये लग गया। अब इसमें जो हमने तेल बनाया था गार्लिक डाल के वो इसमें डालकर मिक्स कर देंगे। ये तेल ठंडा हो चुका है, अब बस इसको हल्के हाथों से अच्छी तरह तेल और सिरके को मिक्स कर लें। आप चाहें तो तेल और भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है इतना ही ठीक है। अब इसको शीशे का जार, उसके अंदर इसको हम रखेंगे 1 मिनट। ये देखें, वन मिनट दें अच्छी तरह ड्राई हो जाए, क्योंकि पानी बहुत ख़तरनाक है अचार के लिए। तो वैसे ही इसको ज़रा गर्म करना है कि अगर कुछ हो भी या वैसे ही से लाबा हुआ जैसे होती है तो वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। ये हो गई बॉटल, अब इसके अंदर हम ये अचार भर लेते हैं। अब आप इसको 1 हफ्ते के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मज़े का अचार होगा और अचार डालने का कोई मौसम नहीं होता। मेरी घर की मिर्चें थी और कितना अच्छा उनका इस्तेमाल हो गया है। दाल बनी हुई हो या लच्छे वाला पराठा बनाओ तो ये अचार बहुत मज़े का लगता है। और बहुत क्विक भी है और हेल्दी भी है, ऑलिव ऑयल में डाला हुआ है। आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में भी डाल लें, और वो ज़रा उस पॉइंट तक पकाना पड़ता है जब तक कि आपके हाथ को हीट आना लग जाए। तो आप उसमें भी जो है गार्लिक के क्लोव्स डालकर उसको बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा दबा दबा के हम अपना पूरा अचार डालेंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।